कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर की देपालपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा की पोल खोलते हुए हुंकार भरी। कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को इंदौर के नजदीक देपालपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम को जमकर कटघरे में खड़ा किया। सिंधिया ने अपने भाषण की शुरुआत ही मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधने के साथ की। सिंधिया बोले कि चुनाव आ गए हैं, इसलिए उड़न खटोले से बस पर आ गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की बस में मौजूद तमाम सुविधाओं का जिक्र करते हुए चुटकीले अंदाज में सीएम शिवराज पर सियासी तीर चलाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने 14 साल उड़न खटोले से टपक टपक के दौरा किया है, हवाई जहाज से दौरा किया है, आज वही मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद लेने के लिए बस पकड़ के चल रहा है। और वो बस इस दौरान सांसद सिंधिया का जोश देखते ही बन रहा था। उन्होंने कहा कि मंदसौर की पीपलिया मंडी में जब किसान अपनी गुहार लेकर गए थे, जब सरकार ने उन पर गोली चलाई और फिर उनकी मौत पर बोली लगा दी, सरकार का आपकी रखवाली की, आपकी सुरक्षा का, आज तो मध्य प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन चुका है। जिस सरकार के कार्यकाल में मंदसौर की पीपलिया मंडी में जब वो किसान लोग अपनी गुहार लेकर सरकार के पास गए थे, उनकी गुहार सुनने के बजाय उनके छाती को छलनी कर दी गोली के साथ। एक तरफ सरकार ने लगाई किसान के छाती पर गोली, वहीं शिवराज सिंह जी ने लगा दी उनके जान पर गोली। पहले 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 50 लाख और फिर 1 करोड़। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा में किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के नाम पर ढोंग करती है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए सिंधिया ने नोटबंदी के फैसले पर भी कड़े अंदाज में कटाक्ष किया और नोटबंदी में मारे गए 125 लोगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़े किए गए। इस दौरान सिंधिया ने प्रधानमंत्री की मिमिक्री करके कुछ इस अंदाज में हमला बोला। एक तरफ है मोदी जी जो अपना फरमान जारी करते हैं दिल्ली में बैठकर, पुराने जमाने में वो कोल्ड ड्रिंक का एड निकलता था ना, आओ आज कुछ तूफानी कर देते हैं। सुबह सुबह उठकर वही कोल्ड ड्रिंक के एड पर नोटबंदी लागू कर दी। मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रजातंत्र में हिटलर शाही कब तक चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे उदाहरण दो, भाजपा के नेता लोग किस प्रजातंत्र में ऐसी नीति का क्रियान्वयन हुआ है जिसमें 125 जनों की जान लाइन में खड़े होकर गवाह की गई है? क्या ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री क्या एक व्यक्ति के घर में गए सांत्वना देने के लिए? क्या एक व्यक्ति का दुख बांटा? उल्टा हमारे प्रधानमंत्री कहते थे, मैं काला धन समाप्त करूंगा, मैं जाली नोट समाप्त करूंगा, मैं आतंकवाद समाप्त करूंगा,
अरे नोटबंदी के आधार पर कहा था कि गरीब चैन की नींद सोएगा, अमीर नींद की गोली लेगा। अपने आधे घंटे के भाषण के दौरान सांसद सिंधिया ने एटीएम शब्द को भी मजाकी अंदाज में कुछ इस तरह बयां किया। वे बोले कि एटीएम का मोदी राज में मतलब आया तभी तो मिलेगा। हम आर्थिक व्यवस्था को कैशलेस बनाएंगे, कैशलेस बनाएंगे। और पैसा चाहिए तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते। कौन से प्रजातंत्र पर आप पर प्रबंध लगाया जाता है अपना पैसा अपने बैंक से नहीं ले सकते। जाओ वो डब्बे के पास, वो जो दीवार में डब्बा बनता है ना आजकल, नाम है उसका एटीएम, समझ गए ना? एटीएम। एटीएम का क्या मतलब होता है? एटीएम का मतलब होता है एनी टाइम मनी, मतलब जब चाहो सो ले लो। पर नरेंद्र मोदी जी ने एटीएम की परिभाषा बदल दी। एटीएम एनी टाइम मनी नहीं रहा, एटीएम आएगा तभी तो मिलेगा। सही है कि नहीं? इस दौरान सिंधिया किसानों को खुश करने के अंदाज में बोले कि नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनते ही मंडी में किसानों को सुविधाएं देंगी। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज की किसान नीति पर बोलते हुए सिंधिया ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी छुआ और तेल के दाम बुलेट ट्रेन की तरह तेज होने की बात कही। चाहे फसल की दाम की बात करो, मंडी में अवस्थाओं की बात करो, फसल बीमा की बात करो, और पेट्रोल और डीजल की तो चर्चा ही मत करना। मोदी जी कह रहे थे मैं अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दूंगा, बुलेट ट्रेन तो नहीं मिला, लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम बुलेट की तरह। जो 55 रुपए का डीजल आज 75 रुपए हो गया, और जो 60 रुपए का पेट्रोल आज 90 रुपए हो गया। ये तो शताब्दी बनाएंगे, कहते थे ना जो 70 साल में नहीं कर पाए हमने 4 साल में करा के दिखाया। पेट्रोल को शताब्दी पहुंचा दी, डीजल पहुंचा दी, और खाद की तो बात ही मत करना, जो 400 रुपए बोरी होता था आज बताओ खाद का क्या। इस मौके पर सिंधिया ने सभा में जोरदार भाषण देकर तूफान लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर।